अनंत कोटि ब्रह्मा नायक राजा दिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ पर नमस्ते शुभ भक्त ओम साईं जय जय साईं ओम साईं। मेरा नाम कमल टंडन दिल्ली में रहता हूँ। ईश्वर कैलाश के पास मेरा घर है और मैं बाबा को बहुत पहले से तो नहीं जानता था, 2005 में जानना शुरू किया बाबा से और जुड़ना शुरू हुआ। मैं पहली दफा शिरडी 2007 में गया, लेकिन उसके जाने के बाद मेरे को बस बाबा ही बाबा हर जगह नजर आए और बाबा में वहां जाके जो संतुष्टि मिलती है और बाबा से जो वहां देखने को मिलता है लीलाएं, वो अलग अलग निराली टाइप की होती हैं जो कि वर्णन करना ही जिसका बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कई इंस्टेंस होते हैं हमारे पास, कई ऐसे हैं जो कि जिंदगी भर यादगार में रहती हैं चीजें, कई ऐसे हैं। अब कितनी लीलाओं का वर्णन करूं मैं ये चीजों का। एक तो है बच्चों के साथ मेरे जो चीजें हुई, अब आप बच्चे का 12वीं का एग्जाम था, रिजल्ट आया, ये नहीं मैं कहूंगा कि मार्क्स अच्छे नहीं आए, 80% के करीब आए, लेकिन आपको पता ही है कि दिल्ली में 80% किसी उसमें नहीं गिने जाते। अब हम इसी परेशानियों में थे कि कहां इसका एडमिशन होगा कॉलेज में, दिल्ली में कहीं एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, बाबा से यही विनती करते रहे। और अल्टीमेटली मेरे को एडमिशन के लिए कहीं कोई बाबा से प्रार्थना लगाई थी और बाबा ने अपने ही मंदिर के पास, लोधी रोड मंदिर के पास, दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन कराई उसकी बिटिया की। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि एक नंबर एडमिशन इसी का था, जबकि उसके अंदर ये देखिए कि आप कहां इतने चिंतित थे कि कैसे एडमिशन होगा क्या होगा, और बाबा ने ये देखो कि लीला का कि अपने ही मंदिर के पास अपने पास ही उसको रखा और उसके बाद उसको MBA कराइए, अच्छा आगे निकाल दिया। तो ये एक बहुत बड़ी लीला है मैं तो कहूंगा बाबा की, इतने हम चिंतित थे एडमिशन के लिए। ऐसी कई है, अब मेरे बेटे का है, 2 साल पहले इसको प्रॉब्लम हुई, किडनी प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर्स ने डायलिसिस के लिए बोला, मजबूरी में कराने पड़े, 2019 फरवरी की बात है ये, और मैं डायलिसिस कराते गए, बीच में मैं मई में इसको आपको बाबा के पास ले गया, मैं इसका डायलिसिस भी मिस करा के, इवन डॉक्टर से ना पूछ के मैं इसको शिरडी ले गया। शिरडी जाके हम द्वारका माई, यही था कि द्वारका माई में अरदास लगाएंगे जाके, हम मैंने इसको बोला विनीत है बेटे का नाम, तो हम द्वारका माई बैठे इस रात को जाके, हम 1:30 बजे बैठ गए, सुबह आरती करी, आरती करके द्वारका माई के बाहर हम खड़े थे, काफी लोग, जैसे आपको पता है द्वारका माई के बाहर काफी लोग खड़े होते हैं सुबह आरती के बाद, हम भी 2-3 जने खड़े थे बाहर ग्रुप में अपने। एक आदमी पता नहीं कहां से कोई आया है आदमी, और किसी को उसने कुछ नहीं बोला, मैं नहीं जानता ना मैं मिला हुआ था उस आदमी को, वो आदमी ये मेरे पे आप बीती है जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी दुनिया तो देखो सुनी हुई बात जो बोलती है वो होगी, वो भी ठीक होगी, मैं ये नहीं कहता। वो आदमी आया और बेटे को बुला के कहता है, ये उदी का एक पैकेट उसने पकड़ाया कि ये बेटा आज दिन में पानी में घोल के दिन में 3 दफा ये पी लेना, ये उदी को। अब इसको आप क्या कहोगे, ये बाबा का ही रूप में कोई आदमी आया है, उदी देखी गया। और देखो कि हम दर्शन करके आए, आते ही हम डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने इसके हफ्ते के 3 डायलिसिस हो रहे थे, डॉक्टर ने 2 पे ले आया, एक कम कर दिया था, धीरे धीरे और कम होते गए और
19 दिसंबर को 2019 को आखिरी डायलिसिस हुआ और मैं डॉक्टर ने बोला कि पूरे टेस्ट करा के आप दोबारा से मेरे को 30 दिसंबर को दिखाना ये इसको। मैंने शिरडी जाने का अपना प्रोग्राम बनाया, मैं शिरडी चल में था, मुझे नहीं पता, पीछे से बेटे और मेरी सिस्टर साथ गई है, डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर, मैं शिरडी में ही प्रार्थना कर रहा था इसके लिए और वही डॉक्टर ने डायलिसिस का इसका मना कर दिया कि अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है, जबकि पूरा साल डायलिसिस होता रहा, फरवरी से दिसंबर तक डायलिसिस चलता रहा। ये बाबा का ही करिश्मा है और तो कोई नहीं इसमें कोई हाथ किसी का, जो लीला बाबा अब और कहीं ऐसे हैं क्या क्या बताएं, बताने के लिए इतने है नहीं। मैं पहले बाबा को इतना नहीं जानता था, 2007 से मैंने जाना शुरू किया शिरडी, जब से गया हूं तब से वहीं का होके रह गया बस, और कुछ नहीं, साल में 3-4 दफा वहां जाने का बन जाता है। अब पिछले साल से नहीं गया हुआ, जबकि लॉकडाउन पिछली बारी हुआ तो मैं वहीं था, उसी दिन मैं यहां पहुंचा जिस दिन लॉकडाउन मंदिर बंद हुआ था बेसिकली, उस दिन 17 मार्च को लास्ट, और मैं 17 को ही दिल्ली पहुंचा। अभी भी 29-30 तारीख की थी टिकट, लेकिन नहीं, बाबा ने नहीं बुलाया था, नहीं जा पाया ड्यू टू कोविड, महाराष्ट्र में बढ़ रहा था तो इसलिए जाने नहीं दिया, बच्चों ने मना किया, तो बस ऐसे ही है। और क्या बाबा का वर्णन, तो कुछ है नहीं लाल बात करने को, कोई भी ऐसी कि अनगिनत बातें हैं, करने बैठे तो टाइम ही इतना लग जाएगा। जय श्री राम, जय श्री। Oh!